मूवी बहुत ही ट्रेडिशनल सी है, जिसके शुरू में हम एक सुल्तान को देखते हैं जो कि पर्शिया का राजा है। उनके दो बेटे हैं, सुल्तान का एक भाई भी होता है जिसका नाम निजाम होता है। वो दोनों भाई मिलके रहा करते थे और यहाँ इनकी सबसे अच्छी बात यही थी। एक दिन सुल्तान और उनका भाई अपने कुछ सिपाहियों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। उनके सामने एक छोटा बच्चा आता है तो उसकी वजह से सिपाही गिर जाता है, तो सिपाही उस बच्चे को बहुत मारता है। तभी उसका एक दोस्त वहाँ आता है और उस बच्चे को बचाकर भागने लगता है। सिपाही उन दोनों के पीछे जाते हैं और सुल्तान के पास लाते हैं। सुल्तान उस बच्चे के दोस्त से उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम दास्तान है। सुल्तान उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो बच्चा कहता है, मेरे कोई माँ बाप नहीं। तो सुल्तान उसे कहता है, मुझे तुम रहम दिल और बहादुर लगे हो, क्या तुम मेरे तीसरे बेटे बनोगे? तो दास्तान भी सुल्तान का हाथ थाम लेता है, यानी अब दास्तान सुल्तान का तीसरा बेटा बन चुका था। वो सुल्तान के दोनों बेटों के साथ उनका भाई बनकर रहता है और अब 15 साल बीत जाते हैं। सब भाई बड़े हो गए होते हैं, यानी जवान लड़के बन गए होते हैं। इन लड़कों के साथ इनके चचा निजाम भी होते हैं। ये सब मिलकर एक सिटी पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये सिटी इनके दुश्मनों को हथियार देती थी। अब यहाँ पर दास्तान कहता है कि मैं सबसे पहले अटैक करूंगा, तो सुल्तान का बड़ा बेटा कहता है, नहीं तुम अभी छोटे हो। तो वो अपने ही भाई से कहता है कि तुम सबसे पहले अटैक करोगे, लेकिन दास्तान खुद ही अटैक करना चाहता था, इसलिए वो अपने बचपन के दोस्त को साथ लेता है, वही दोस्त जिसे सिपाहियों ने मारा था, और अपने साथ कुछ सिपाही लेकर किले तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं और वो भी अब उस सिटी पर अटैक करने लगते हैं। उधर हम इस सिटी की क्वीन को देखते हैं, जिनको प्रिंसेस भी कहा जाता था, और उनका नाम था प्रिंसेस तमीना। वो अपने खास आदमी को खंजर देती है और उससे कहती है कि इसकी हिफाजत करो, ये घूमना नहीं चाहिए। वो आदमी उनसे वादा लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस आदमी के बाहर आते ही दास्तान उसे गिरा देता है और उसके पास से वो खंजर ले लेता है। अब वहाँ पर वो उधर पुराने टेम्पल में जाते हैं जहाँ पर तमीना भी होती है। तो निजाम उससे कहता है, आपके शहर के लोग हमारे दुश्मनों को हथियार बेच रहे हैं। तो तमीना कहती है, आपको गलत सुनाई दिया है, हमारे शहर में कोई हथियार बनाता ही नहीं है, हमारी सिटी बहुत होली है, हम तो जंग को पसंद ही नहीं करते। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सब उसे कहते हैं कि इसे मार दिया जाए। लेकिन तभी सुल्तान का बड़ा बेटा आता है और तमीना से कहता है कि अगर तुम उसे शादी कर लो तो तुम मेरी प्रिंसेस बन जाओगी और हमारे खानदान का हिस्सा, तब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो तमीना कहती है, नहीं, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन जब वो देखती है कि दास्तान के पास उसका कीमती खंजर है तो शादी के लिए हाँ कह देती है। यहाँ पे तैयारियां होने लगती है, जश्न होता है, लेकिन साथ ही सुल्तान अपने बड़े बेटे को याद करता है और उसे बुलाकर कहता है कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, एक तो तुम इतने मुकद्दस शहर पर अटैक करने चले थे और दूसरा मुझसे पूछे बगैर अपने फादर से ये भी कहता है कि जब तक मैं आपको प्रूफ न कर दूं कि वाकई वो हथियार बनाते थे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे, तब तक मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है और दास्तान को एक ड्रेस देता है, ये लो, ये अब्बा जान के लिए है, यानी सुल्तान के लिए, और उन्हें ये भी बता देना कि मेरी और प्रिंसेस तमीना की शादी हो रही है। अब दास्तान प्रिंसेस तमीना को भी अपने साथ सुल्तान के पास लेकर आता है ताकि सुल्तान का अपने भाई की शादी के लिए अप्रूवल ले सके। अब दास्तान अपने फादर को जाके वो ड्रेस देता है तो इसे देख कर वो बहुत खुश होते हैं। साथ ही दास्तान तमीना को आगे करता है और कहता है कि ये भाई की पसंद है, वो इससे शादी करना चाहते हैं। तो सुल्तान कहता है, दास्तान उसकी तो पहले कई ज्यादा बीवियां हैं, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस राजकुमारी से शादी करो। तो दास्तान वहाँ से शर्मा कर चला जाता है। इन दास्तान के जाते ही सुल्तान का जिस्म चलने लगता है, क्योंकि जो ड्रेस दास्तान ने उन्हें दिया था उसमें जहर, लेकिन असली बात तो हम जानते हैं कि ये ड्रेस सुल्तान के बड़े बेटे ने भिजवाया था। अब सब लोगों को दास्तान पर शक होता है तो वो दास्तान के बचपन के दोस्त को मार देते हैं। तमीना दास्तान के पास आती है और उसे कहती है कि हमें भागना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे पीछे हैं। अब तमीना और दास्तान यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर सुल्तान फोत हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। इस बात की खबर उनके बड़े बेटे को भी हो जाती है और उधर दास्तान तमीना को बता रहा होता है कि मैंने वो ड्रेस तोहफे में नहीं दिया था, बल्कि मेरे बड़े भाई ने भिजवाया था जो तुमसे शादी करना चाहता था। शुक्र करो तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई। लेकिन तमीना इसीलिए उसके साथ आई होती है ताकि उसे अपना खंजर वापस ले सके, और साथ ही वो दास्तान पर तलवार से वार करती है जिससे दास्तान जख्मी हो जाता है। तभी दास्तान का हाथ उस खंजर के ऊपर लग जाता है जिससे वो कुछ सेकंड्स पहले आ जाता है। जब तमीना उसे स्वर्ड से मारने वाली होती है तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, तलवार नहीं निकालोगी? तो तमीना कहती है, मैंने निकाली भी कब? तो दास्तान कहता है कि मैंने सब देख लिया है, तुम ऐसा करने वाली थी। तो तमीना कहती है, लो तुमने खंजर को इस्तेमाल कर लिया, अब इसमें जादुई रेत दोबारा कौन डालेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार काम करता है जब इसमें वो जादुई रेत हो।
अब दास्तान कहता है कि मुझे मेरे चचा निजाम को सब कुछ बताना होगा कि उनके भाई उस दुनिया में नहीं रहे। वो वहाँ के लिए अपने घोड़े पर निकल पड़ता है, लेकिन तमीना उसे कहती है कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वो बहुत खतरनाक है। तो दास्तान कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब तमीना भी उसके साथ आती है। रास्ते में तमीना को प्यास लग जाती है और वो एक्टिंग करती है जैसे वो बेहोश हो गई है। दास्तान उसे पूछता है कि क्या हुआ। तभी तमीना पास पर एक बोन उठाती है और उसके सर पर अटैक करके वहाँ से अपना खंजर लेके निकल जाती है। यहाँ पर दास्तान बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ कोई लोग हैं। उनका सरदार एक शेख होता है। शेख उससे कहता है कि तुम हमारे कब्जे में हो, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो इसके बदले में तुम्हें हमें कुछ देना होगा। तो दास्तान कहता है कि आगे ही एक राजकुमारी जा रही है, ये लोग अपने घोड़ों पर जाकर उसे पकड़ लेते हैं। दास्तान उसे खंजर छीन लेता है और तमीना को उनके हवाले कर देता है। अब शेख अपने लोगों के साथ अपनी जगह पर आ जाता है। उसने अभी तक दास्तान को नहीं छोड़ा था। तभी उसे पता चलता है कि ये तो वही है, सुल्तान का वो बेटा जिसने अपने ही बाप को मार डाला है, और जो कोई इसका पता बताएगा उसको बहुत बड़ी रकम इनाम में मिलेगी। दूसरी तरफ तमीना जो कि ऑस्ट्रिच का ख्याल रख रही होती है उनका दरवाजा खोल देती है, जिससे सारे ऑस्ट्रिचेस भागने लगते हैं और इनका फायदा उठाते हुए तमीना और दास्तान भी उनमें भागने लगते हैं। अब वो वहाँ से बाहर निकलते ही अपना रूप बदलते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका चचा निजाम था। अब वो वहाँ जाकर निजाम से कहता है आपको तो मुझ पर ट्रस्ट है ना, मैंने अपने फादर को नहीं मारा। तो निजाम कहता है हाँ मैं जानता हूँ। दास्तान उसे एक कवर देता है जिसमें खंजर था, लेकिन निजाम देखता है कि वो तो खाली कवर है और उसमें खंजर है ही नहीं, यानी तमीना वो खंजर लेके दोबारा से वहाँ से भाग चुकी थी। तभी दास्तान नोट करता है कि निजाम के हाथ जले हुए हैं, जैसे ड्रेस पहनते हुए सुल्तान का जिस्म जला। तो उसे पता चल जाता है कि सुल्तान की ड्रेस में जहर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भाई निजाम था। निजाम को भी पता चल जाता है कि दास्तान को उसके काले कामों का पता चल चुका है। वो उसे पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन दास्तान खुद से उन सिपाहियों को छुड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। बाहर जाकर उसका बड़ा भाई उस पर अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन दास्तान उनसे भी अपनी जान बचाते हुए बाहर आ जाता है और कहता है कि मैंने सुल्तान को नहीं मारा, जल्द ही आपके सामने कातिल आ जाएगा। अब यहाँ पर निजाम सुल्तान के सबसे बड़े बेटे के पास जाता है और कहता है कि दास्तान मुझे मारने आया था, कोई पता नहीं वो तुम लोगों को भी मार दे तो उसे पकड़वाओ। लेकिन उसको इन सब बातों पर यकीन नहीं आता। तो निजाम खुद ही एक बहुत बड़े गैंगस्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे काम है, तुम्हें दास्तान और उस खंजर को वापस लाना होगा। अब वो दास्तान को ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे निजाम ने लालच दिया होता है। अब उधर दास्तान भी तमीना को ढूंढ लेता है, उससे वो खंजर ले लेता है। दास्तान तमीना से पूछता है कि तुम इस खंजर को हासिल करना क्यों चाहती हो, इसमें क्या ऐसी खास बात है। तो तमीना उसे बताती है कि इस खंजर को निजाम हासिल करना चाहता है, तुम उसको ये खंजर देके बहुत बड़ी गलती करने वाले थे, वो इस खंजर से टाइम में पीछे जाकर अपने भाई की जगह खुद सुल्तान बनना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस खंजर को जल्द से जल्द इसकी अपनी जगह पर रख दूँ। तो दास्तान कहता है अच्छा ये बात थी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और अब वो दोनों खुशी खुशी इस खंजर की असली जगह पर इसे रखने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग कुछ आगे जाके रेस्ट करते हैं तो तभी वहाँ पर शेख आ जाता है और इनसे कहता है तुम लोगों की वजह से मेरे शुतुरमुर्ग भाग गए, अब मेरा लॉस कौन पूरा करेगा। तभी इनको किसी चीज की आहट फील होती है क्योंकि दूसरी तरफ से इनके पीछे वो गैंगस्टर भी आ रहा होता है। अब वो सब रात को सो जाते हैं। तभी वो गैंगस्टर अपने कुछ जहरीले सांप उधर छोड़ देता है जो कि उन लोगों पर हमला करने आए थे। शेख के खास आदमी को जब वो सांप नजर आता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन तभी दास्तानों से जलते हुए लकड़ी से मारकर मार डालता है, जिससे वो आदमी बहुत इम्प्रेस होता है, उसे खंजर दे देता है ताकि बाकी सांपों को भी मार सके। यहाँ दास्तान सब सांपों को मारने लगता है और शेख और उसके लोगों की जान बचा लेता है। ये बात शेख को भी बहुत अच्छी लगती है और वो दास्तान से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। अब शेख दास्तान और तमीना को वहाँ पर छोड़कर वापस जाने लगता है तो तमीना शेख को आवाज देती है कि हमें आपकी मदद की जरूरत होगी, हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ हमारे लिए अकेले जाना शायद पॉसिबल ना हो। तो शेख कहता है कि मुझे और बहुत सारे काम है। तो तमीना कहती है मैं जानती हूँ आप पैसे की तलाश में हैं और जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ से आपको बहुत सारा सोना और पैसा मिल सकता है। तो शेख इस लालच में उनके साथ जाने लगता है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर दास्तान का बड़ा भाई आता है, यानी सुल्तान का दूसरा बेटा। वो दास्तान से आकर कहता है कि तुमने हमारे फादर को मारा है, तुम कभी सिंसियर थे ही नहीं। अब दास्तान तमीना को वो खंजर देता है और कहता है कि तुम लोग जाओ मैं आता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने भाई से कहता है भाई मैंने अपने फादर को नहीं मारा, ये सारा किया धरा निजाम का है ताकि वो सुल्तान बन सके, कोई पता नहीं वो आप लोगों को भी मार दे, और यकीनन वैसा करेगा, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर वो गैंगस्टर आ जाता है और दास्तान के भाइयों के सिपाहियों पर अटैक करने लगता है। साथ ही साथ वो सुल्तान के बड़े बेटे पर भी हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है।
उधर तमीना एक टेंपल में पहुंच चुकी होती है जो कि उस खंजर की असली जगह होती है। अब तमीना उस खंजर को वहां पर रखने ही वाली होती है कि तभी पीछे से वही गैंगस्टर आ जाता है और एक लोहे के औजार से उस पर अटैक करता है, उसे मारता है। उसके बाद वो दास्तान की तरफ बढ़ता है। यहाँ तमीना बेहोश हो जाती है। उसके हाथ से गिरा हुआ खंजर उस गैंगस्टर का सांप आकर निगल लेता है और अपने ओनर को यानी मालिक को दे देता है। वो गैंगस्टर दास्तान को मारने ही वाला होता है कि तभी सुल्तान के दूसरे यानी मिडिल चाइल्ड को, जो कि दास्तान का बड़ा भाई था, उसको सब कुछ समझ आ जाता है। तो पास पड़ा नीजा उठाता है, उस गैंगस्टर के पेट में दे मारता है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन साथ में वो बेचारा खुद भी काफी जख्मी हो चुका था और यहाँ पर वो दम तोड़ने से पहले दास्तान से कहता है, मेरे भाई मुझे तुम पर यकीन है, प्लीज हमारे किंगडम को बचा लेना और ये तुम कर सकते हो। इधर दास्तान और तमीना दोनों बहुत परेशान होते हैं क्योंकि खंजर उनके हाथों से निकल चुका था। उधर हम देखते हैं कि वही सांप जो बड़े शौक से खंजर निकल कर अपने मालिक को देने गया था, मालिक उसका पेट ही चीर कर वो खंजर बाहर निकाल लेता है और सीधा जाकर निजाम को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि दास्तान अपने भाई को दफनाता है और शेख को बताता है कि हम अब चाकू ने वही खंजर वापस लेने जाएंगे। यहाँ पर शेख का खास आदमी उसे कहता है, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो शेख मान जाता है और ये सारे लोग निजाम के पास जाते हैं। अब वहाँ पर निजाम और उसके लोग उसी जादुई रेत को तलाश कर रही होती है जो कि खंजर में डाली जा सके और वक्त में वापस जाया जा सके, लेकिन काफी गहरी खुदाई करने के बाद भी वो उन्हें मिल नहीं रही होती, शायद वो लोग उसे डिजर्व ही नहीं करते। अब बाहर शेख का खास आदमी कहता है कि मैं वो खंजर लाऊंगा, मैं ताकतवर हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब वो लोग उस टेम्पल के बाहर सारे कार्स को बेहोश करते हैं और वो आदमी अंदर चले जाता है, लेकिन अंदर जाते ही गैंगस्टर उस आदमी के चेस्ट पर चाकू फेंकता है जिससे वो जख्मी तो हो जाता है लेकिन उसकी जान बच जाती है। अब शेख का वो खास आदमी भी अपना चाकू एक गैंगस्टर की तरफ फेंकता है जो कि उसके चेस्ट में जाकर लगता है जिससे वो गैंगस्टर हमेशा के लिए मर जाता है। लेकिन इस लड़ाई में उस आदमी के चेस्ट में भी कई जहरीले कील लगे थे, लेकिन वाकई वो इतना ज्यादा ब्रेव होता है कि इतना जख्मी होने के बावजूद वो खंजर उठाता है और बाहर शेख की तरफ फेंकता है। अब जब निजाम को पता चलता है कि यहाँ पर खंजर नहीं है तो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जरूर यहाँ पर दास्तान आया होगा, उसे मेरे पास लेकर आओ। इतनी ही देर में दास्तान अपने सबसे बड़े भाई के पास आता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, भाई अकल कीजिए, आप खुद सोचिए कि हमारे फादर को मारने वाला निजाम ही है। तो दास्तान का बड़ा भाई कहता है, तुम पागल हो, हमारे चचा ऐसा क्यों करेंगे। दास्तान कहता है, चचा ही तो कर सकते हैं क्योंकि वही हमारे फादर के एक भाई हैं और उन्होंने ही सुल्तान को इसीलिए मारा ताकि वो खुद बादशाह बन सके, खुद सुल्तान बन सके। उनको समझ नहीं आती कि वो क्यों चाकू या खंजर हासिल करना चाह रहे हैं ताकि उसमें जादुई रेत डालकर वो वापस वक्त में जा सके और उस वक्त खुद सुल्तान बन सके जब हमारे फादर सुल्तान बन रहे थे। दास्तान का भाई कहता है, मैं तुम्हारी फजूल बातों में नहीं आने वाला, ये कहानी किसी और को सुनाना चाहकर। तो दास्तान कहता है, नहीं भाई, कहानी क्यों सुनाऊंगा। तो उसका भाई कहता है, क्योंकि तुम मुझे भी मारना चाहते हो, तुम्हें खुद जो सुल्तान बनना है। तो दास्तान कहता है, नहीं भाई, मैं आपको नहीं मारना चाहता, ये ले मैं खुद को मार लेता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मेरी जान जाए, जब मैं खुद को खंजर मारूं तो इस खंजर को ऊपर से दबाइएगा और आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। इसी के साथ ही दास्तान खुद को खंजर मार लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर निजाम आ जाता है। दास्तान का बड़ा भाई उसे कहता है कि आप वहीं रुकिए जब तक मैं न कहूँ, और खंजर को ऊपर से दबाता है तो वो भी पीछे चला जाता है। जहाँ पर दास्तान खुद को खंजर मारने ही वाला होता है तो उसका भाई उसे रोक के कहता है, मेरे भाई मुझे तुम पे यकीन आ गया है, खुद को खंजर मत मारना। उसे सारी रियलिटी पता चल चुकी थी, लेकिन निजाम को देख के गुस्सा आ जाता है और वो दास्तान के बड़े भाई का गला काट देता है। रब उसी खंजर से दास्तान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तमीना आती है और उस गैंगस्टर का ध्यान बटाने लगती है। इसका फायदा उठाते हुए दास्तान उसको मार देता है। उधर निजाम को वो जादुई रेत मिल चुकी थी जिसे वो पाने वाला था, लेकिन तमीना और दास्तान भी दूसरे रास्ते से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनके चलने से वहाँ पे रास्ता टूट जाता है, लेकिन दास्तान खुद को संभालते हुए दोबारा चलने लगता है। अभी हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर मरा नहीं होता बल्कि जिंदा होता है और अपने सांप से इन पर वार करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसी के सांप से उसकी अपनी आंख पर कटवा देते हैं जिसके बाद जहर फैलने की वजह से वो वहाँ मारा जाता है। ये लोग निजाम के पास पहुंच जाते हैं ताकि उसे रोकें, लेकिन निजाम दास्तान को स्टैब कर देता है और काफी जख्मी कर देता है। निजाम तमीना को भी धक्का दे देता है, लेकिन दास्तान उसका हाथ पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। तभी तमीना दास्तान से कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो, जाकर निजाम को बचाओ, वो अपने हाथों से उस खंजर को वहाँ लगाने वाला है, अब वही सुल्तान बन जाएगा और ऐसा साल
टाइम सुल्तान किसी भी किंगडम के लिए खतरा हो सकता है, तुम्हारे लिए ये काम करना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर दास्तान को उसका हाथ छोड़ना पड़ता है और वो सीधा निजाम के पास जाकर उसे रोकता है, लेकिन देर हो जाती है और निजाम उस खंजर को रेत की घड़ी में डाल देता है जिससे वक्त बहुत पीछे जाने लगता है। लेकिन दास्तान अभी भी फौरन से उस खंजर को जगह से बाहर निकाल लेता है जिससे वक्त दोबारा से ठीक होने लगता है। वे वहाँ पर रेत का तूफान आता है और वो दोनों उसमें उड़ते उड़ते एक जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर दास्तान खुद को उसी जगह पर पाता है। यहाँ पर अभी कोई फसाद शुरू नहीं हुआ था और उसके सारे फैमिली मेंबर्स जिंदा थे। यहाँ पर दास्तान अपने भाइयों को सब कुछ बता देता है। जब निजाम को पता चलता है कि बस अब तो मैं पकड़े जाने वाला हूँ, तो सुल्तान के सबसे बड़े बेटे पर अटैक करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही सुल्तान का बड़ा बेटा उसे स्टैब करके मार डालता है। दास्तान का बड़ा भाई उसी होली सिटी में जाता है और वहाँ की राजकुमारी अपनी प्रिंसेस तमीना से माफी मांगता है कि हमने आप पर ब्लेम लगाकर आप पर अटैक करने की कोशिश की। फिर अपने भाई दास्तान के लिए तमीना का रिश्ता मांगता है, जहाँ पर उन दोनों की हैप्पीली शादी हो जाती है। वो लोग उस खंजर को उसकी जगह पर वापस रख देते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड भी होता है।